मेरे पति बहुत बीमार है, इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे बहुत अच्छा भूख के कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ठीक है बेटा, अंदर आओ। बेटा घर में खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, बासी रोटी और दाल है, लो खा लो। अरे बेटा तुम्हें क्या हुआ, रुको मैं पानी लगाती हूँ। हाँ माता रानी। पिता तूने मुझे खाना खिलाया, मैं तुमसे बहुत खुश हुई, मांगो क्या मांगना चाहूँगी। माता रानी मेरे पति एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गए हैं, उन्हें ठीक कर दीजिए। ठीक है। अरे मैं तो ठीक हो गया। अरे इतने सारे पैसे, जय माता रानी। माता रानी के भक्त वीडियो पे एक लाइक जरूर करें। वहाँ सुनो, ये बच्ची अकेले रोड पे रो रही थी, आप जानती हैं मैं कितना गरीब हूँ, इसे मैं अपने घर नहीं ले जा सकता, इसे आप ही रख लीजिए। क्यों रे गूंगी, एक इसकी लड़की उठा कर ले। क्या जब तक इसके मम्मी पापा नहीं मिल जाते तब तक हमारे साथ रहे? मेरे लिए तो तुझे ही पालना मुश्किल है, मैं इसे नहीं रख सकता। जाओ जो मन करे वो करो। रंजना उठो, चलो नाश्ता लगा दो। ठीक है आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। अरे मेरा गला। भैया मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वहाँ तुम यहीं भी बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। अंकल मेरी बहन भूखी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, चल भाग घर। अंकल मेरी बहन को बहुत जैसी भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तेरी बहन को भूख लगी है तो मैं क्या करूँ, जाऊँ पास खाई खिला, चल जा यहाँ से। ये कुछ खाने के लिए ले आए हो? बहन किसी ने खाने के लिए नहीं दिया, हम लोग क्या करें? आज मैं बाजार से समोसा लेकर जाऊँ, घर पे बैठ के मजे से खाऊंगी। आंटी हमें बहुत जैसे भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। क्यों बेटा तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या? आंटी हम लोग अनाथ हैं। अरे मुझे एक भी बच्चे नहीं है, एक काम करते हैं दोनों बच्चों को अपने साथ घर लेकर चलते हैं। बेटा तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम लोग को अच्छे अच्छे खाना खिलाऊंगी और अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। ठीक है आंटी। ठीक है बेटा चलो। तो दोस्तों क्या मैंने सही किया, कमेंट करके जरूर बताएं।